उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला की अध्यक्षता में श्रम विभाग के अधिकारियों की बैठक सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में प्रदेश के श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने बताया कि श्रम कल्याण परिषद की 8 योजनाओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में श्रमिकों के पुत्रों को शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए सहायता, छात्रवृत्ति वितरण संबंधी योजना, वर्तमान में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना, डिग्री पाठ्यक्रम में 15,000 व डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 10,000 तथा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में 7,000 रुपये प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों के मेधावी पुत्र व पुत्रियों को पुरस्कार राशि प्रदान किए जाने संबंधित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार योजना के तहत हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परस्नातक तक की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक से पास होने पर 5,000 से लेकर 7,500 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक अधिष्ठानों के मृतक श्रमिकों की विधवा आश्रित को आर्थिक सहायता वितरण योजना, राजा हरिश्चंद मृतक आश्रित सहायता योजना के तहत 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता वितरण योजना ज्योतिबा फूले कन्यादान योजना के तहत अब 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उनका लाभ श्रमिकों को पहुंचाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद अध्यक्ष सुनील भराला ने कहा, अपना गृह क्षेत्र है, ऐसे कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, घर है, तो हमें लाभार्थियों को लाभ कैसे दे करके बढ़ाना है। ये श्रमिक नेता जो बैठे हैं और जो व्यापार प्रतिनिधि हैं, पर कोई आया क्या उद्योग प्रतिनिधि से आप आए हैं, क्या नाम योजना बात को बता रहे हो? पहली बार। पहली तो ये अब अमित मिश्रा जी आए तो ये सब पहली बार दिखाई दे रही बात है, क्योंकि इन्हें करनी है। चार के जुरिक्शन बटे हुए होंगे अलग अलग कि हमारा ये एरिया है, हमारा ये एरिया, हमारा ये एरिया है। निदेशक कारखाना और MSME के जो है और उसके जो हाल हो, अब तुम फील्ड में आ गए, अब तुम कलेक्टर बन गए हो। अब कलेक्टर अब वहाँ जब शासन में चले जाते हैं तो पूरा प्रदेश देखने लगते हैं। बैठक में जो श्रम कल्याण परिषद की 8 कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा योजना श्रमिकों के हित वाली है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि श्रमिक योजना है, उसी के अंदर श्रवण कुमार धार्मिक पर्यटन यात्रा श्रमिक योजना, महादेवी वर्मा श्रमिक कल्याण योजना, दत्तोपंत ठेकड़ी आश्रित योजना, ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन जो है चेतन चौहान के नाम से जो चलाई गई है, भारत में पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहाँ चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना के नाम से चलाई गई है, जिसमें हम खिलाड़ी को 1,00,000 रुपए तक की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में जो विजेता आएगा उसको देकर के लाभार्थ करेंगे। कन्यादान के लिए जो योजना है उसमें हम 51,000 रुपए कन्यादान देकर के उस श्रमिक परिवार की बेटी की विवाह कराने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो ऐसी 8 श्रम कल्याण परिषद की योजनाएं हैं। 8 श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं को अब पूरे उत्तर प्रदेश में जिले से समीक्षा बैठक का काम प्रारंभ हुआ है, तो इसी क्रम में आज गोरखपुर की जिला समीक्षा बैठक है। सभी जिलों में जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो हमने इसको
75 दिन और 75 जिले के रूप में लिया है, ताकि हम जिस समय इस पूरे 75 जिले और 75 दिन है इस समय कार्यकाल के, फिर चुनाव में जाना ही जाना है, तो उन योजनाओं का लाभ जो है, जो लाभार्थ और जो पात्र परिवार हैं, उन परिवारों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। 1960 के दशक से बने श्रम कल्याण परिषद बड़े सुस्त अवस्था में, उसको सक्रिय करना ये श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। योजनाओं का लाभ श्रम कल्याण परिषद के इस बोर्ड का नाम भूल गए अधिकारी, विभागीय अधिकारी भूल गए थे, उनकी खुली नींद तोड़ करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। हमारे अधिकारी इस बात का बहुत ही ईमानदारी से उल्लेख करते हैं कि हम 2019 से पूर्व श्रम कल्याण परिषद को जानते नहीं थे, क्योंकि सुस्त अवस्था में चला गया था, उसकी चर्चा बंद हो गई थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद इस पर ध्यान केंद्रित किया गया बहुत प्रमुखता के आधार पर, और ऐसे परिवार जो 15,000 रुपए तक के वेतन और वेतन से पाने वाले कम श्रमिक परिवारों को पात्रता के आधार पर लाभ देना, यह हमारी सरकार की ही प्राथमिकता बनी। हमने वहां तक नजर घुमाई है कि जो श्रमिकों का जुडिक्शन था, चाहे वो दैनिक जागरण थे, उजाला थे, हिंदुस्तान थे, अन्य ऐसी जो प्रिंटिंग प्रेस चलाने के काम करती हैं संस्थाएं भी, हम सारी योजनाओं का लाभ उनको भी देंगे। हमने ये निर्णय किया, ये हमने पिछली अभी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया है। हम उन ऐसे होकर श्रमिक को भी रखेंगे अपने साथ, जो वो किसी भी क्षेत्र में आने से अलग थलग पड़े थे, और हमने ये भी निर्णय किया है, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई है, जो अस्पतालों में और विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में काम करने वाले श्रमिक हैं, वो भी उस श्रमिक जुडिक्शन वाले क्षेत्र में आ जाए, श्रम कल्याण परिषद उनको भी योजनाओं का लाभ दे, उसके लिए भी एक स्कीम बना करके उसकी पूरी तहकीकात कराई जा रही है, और उसे कैसे शामिल किया जाए उसमें, उस पर एक समिति काम कर रही है, बहुत जल्द उस पर भी काम पूरा होगा। जहां आप देखेंगे कि धार्मिक और पर्यटन यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रयासरत हैं कि हम बहुत जल्द ही इसकी कहीं से बस रवाना करें, और अपने पात्र श्रमिकों को भी धार्मिक पर्यटन यात्रा के लिए उनको लाभ देकर के उनको निकालने का काम, उनको सौभाग्य हमें मिले कि वो भी अपने माता पिता के नाम यात्रा कराएंगे, और उस योजना का नाम जो है अभी परिवर्तन करके श्रवण कुमार धार्मिक पर्यटन यात्रा का नाम रखा है। तो मुझे निश्चित श्रवण कुमार का जब नाम आता है तो ध्यान में एकदम आता है कि धार्मिक यात्रा, क्योंकि माता पिता को यात्रा उन्होंने कराई थी, तो इसीलिए श्रवण कुमार की पूरे देश विख्यात, विश्व विख्यात, और वो अमर के रूप में हुए। तो इस योजना का क्रियान्वयन भी हमने तेजी से कराने का आज सभी को निर्देश जारी किया है। प्राथमिकता पे कारखानों के मालिक और कारखाने के साथ जो वाणिज्य कर दुकानें जो इसके एक्ट में हैं, हमने उनसे भी चेतावनी भी दी और आह्वान भी किया है कि कारखानों के मालिक और वाणिज्य कर दुकान अपने ऑनलाइन पंजीयन का जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की है, ऐसी हमारी सरकार है कि जो
उन्होंने ऑनलाइन की व्यवस्था दी थी और पूरे समय वन टाइम ही उस पे जो शुल्क है वन टाइम कर दिया गया है, बहुत न्यूनतम है वो उस पर उसका अपना पंजीयन करा ले ताकि जो श्रमिक पात्र हैं वे उसके जुडिक्शन में आ जाए। क्योंकि हमने निरीक्षण करने का प्रतिबंध तो है लेकिन पंजीयन ना कराने का प्रतिबंध नहीं है। ये भी हम कहना चाहेंगे कि वे ऐसे वाणिज्य कर दुकानों के मालिक, और क्योंकि उसमें बड़ा दूरी है, जीएसटी के उपायुक्त से जब जानकारी आती है तो 3.25 लाख पंजीयन है, और जब हम उपनिदेशक कारखाना अपने जुडिक्शन को देखते हैं तो 169 पंजीयन है। तो ये बड़ी दूरी है, बड़ा गैप है, कहां 3.25 लाख और कहां 169। तो हमने ये आज कहा है कि आप प्राथमिकता के आधार पर, ये कहां का फिगर बताया आपने? गोरखपुर का। इतना बड़ा जो फासला है तो कहीं ना कहीं हमारे कारखानों के मालिक, वाणिज्य कर दुकानों के मालिक उससे दूरी बनाए हुए हैं पंजीयन से। तो वो इस बात की चिंता ना करें कि श्रमिक कि कंपनी रोल पे है या ठेकेदारी की रोल पे है, वो अपने नियमानुसार अपने कारखाने का, अपने वाणिज्य कर दुकाने का पंजीयन विधिवत रूप से कराए ताकि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल सके। ये भी हमने आज आह्वान किया है। दूसरा, हमने 10 तारीख को राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेकड़ी जी के नाम से उनकी 101वीं जयंती है, उस जयंती को हम बहुत ही भव्य तरीके से और श्रम कल्याण परिषद की एक भव्य पुस्तिका का विमोचन भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कराएंगे, और वहीं पे श्रमिकों के उत्तर प्रदेश के हित लाभ से लेकर के उन सारे कार्यक्रम का समागम लखनऊ में 10 नवंबर को होगा। उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि श्री योगी आदित्यनाथ जी उस कार्यक्रम की शिरकत मुख्य अतिथि के रूप में करें। तो ये आज ऐसी योजनाओं को लेकर के ऐसी चर्चा हुई है, समीक्षा हुई है उसकी, और ये आह्वान हुआ है कि बहुत जल्द ही श्रम कल्याण परिषद की जो कारखाने और दुकानें हैं उनके श्रमिकों को सबको संज्ञान में लाया जाएगा, और सरकार की जो ये कल्याणकारी योजनाएं हैं श्रमिकों के हित में, उत्तर प्रदेश सरकार को और भारी लोकप्रियता मिलेगी। इस बात को लेकर के उस मिशन के तौर पर कारखानों के मालिक, हमारे श्रमिक नेता, हमारे श्रम विभाग के अधिकारियों ने ये प्रमुखता से जिम्मा उठाया है कि हम अगले 15 दिन के अंदर इसको अभियान के तौर पर चलाएंगे और सभी के पंजीयन कराएंगे, श्रमिकों को लाभ दिलाएंगे। इस आशा के साथ आज इस बैठक का समापन हुआ है। प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी 40% महिलाओं को टिकट देकर घोषणा करने वाली, मैं उनके उस घोषणा का स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने यह अच्छा काम किया है। महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, परंतु जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के मुंगेरी लाल के सपने वो देख रहे हैं वो उनके सपने पूरे नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में काम करने वाली और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, वो किसानों से, गरीबों से, श्रमिकों से वो बिल्कुल साक्षात्कार है, तो उसका तोड़ अभी उनके पास नहीं है। वो पहले अपने राजनीतिक दल में ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करें
और उसके बाद वो अपने मुकेरीलाल के सपने देखना प्रारंभ करें। साथियों, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बहुत ही नीचे तक जाकर के अपने कार्यकर्ता सब काम में लगे हैं। हम उत्तर प्रदेश में, हमने ये भी तय किया है कि उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की पंचायत करेंगे। उत्तर प्रदेश में हम श्रमिकों के साथ सहभोज करेंगे। हमारी ये स्कीम तो पुराने समय से ही है, लेकिन और तेजी से हम उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम तो और गति देने का काम हम उसे कर रहे हैं।